दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती 2023 का फिजिकल में क्या क्या होगा। ठीक है, एसएससी जीडी का जो 2023 वाली भर्ती का फिजिकल है उसमें दौड़ कितनी होगी और आपकी हाइट कितनी होगी और चेस्ट कितनी होगी, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। लड़कियों को भी बताया जाएगा और लड़कों को भी बताया जाएगा, आसान भाषा में बताया जाएगा। वीडियो पूरी देखना, आपको बताया जाएगा एसएससी जीडी भर्ती 2023 में फिजिकल में क्या क्या होगा, फिजिकल में दौड़ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी और चेस्ट कितनी होगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ध्यान से वीडियो को देखना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डॉक्यूमेंट पे वीडियो चाहिए कि फिजिकल में डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, अगर आपको फिजिकल के टाइम डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक कर देना और कमेंट में जरूर कमेंट करना कि डॉक्यूमेंट पे वीडियो चाहिए एसएससी जीडी की, तो मैं वीडियो बना दूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं फिजिकल के टाइम। ठीक है, अगर वीडियो चाहिए इस वीडियो पे 1000 लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। चलो फिजिकल के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपकी दौड़ होगी, ठीक है, दौड़ होगी। बात करें लड़कों की, लड़कों की जो दौड़ होगी वो 5 किलोमीटर होगी 24 मिनट में। ठीक है, लड़कों की दौड़ होगी 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपकी दौड़ होगी लड़कों की। ठीक है, लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की 1600 दौड़ होगी और 8.5 मिनट के अंदर लड़कियों को दौड़ पास करनी है। ये हो गई आपकी दौड़। जितने भी लड़के लद्दाख से आते हैं, ठीक है, जितने भी लड़के लद्दाख से आते हैं उनकी दौड़ होगी 1600 और 6.5 मिनट के अंदर। ठीक है, लद्दाख के लड़कों की, बाकी जितने भी लड़के हैं, बाकी जितने भी राज्य के लड़के हैं उनकी 5 किलोमीटर दौड़ होगी 24 मिनट में। और लड़कियों की जो लद्दाख से आती हैं उनकी 800 मीटर 4 मिनट के अंदर कवर करनी है। ठीक है, ये आपकी दौड़ हो गई। ठीक है दोस्तों, अभी आपको हाइट बताते हैं। हाइट बताने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं, जिनके पास एसएससी एमटीएस की बुक नहीं है वो चक्षु पब्लिकेशन की बुक ले सकता है, काफी अच्छी बुक है। जिन्होंने एमटीएस की भी तैयारी करनी है, एमटीएस की काफी बम्पर भर्तियां आई हैं और आने भी वाली हैं, तो अगर आपको एग्जाम पास करना है चक्षु पब्लिकेशन की बुक ले लेना। इसमें आपको काफी लगभग 2150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, काफी अच्छी, आपको 100% गारंटी दी जाती है कि पूरा सिलेबस इसी बुक में कवर किया जाएगा। अगर आपको जो बुक चाहिए 2023 वाली, अगर आपको चाहिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उधर से परचेज कर लेना। ठीक है, एमटीएस की, एसएससी जीडी की बुक चक्षु पब्लिकेशन की। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हाइट की। ठीक है, हाइट की बात करें लड़कों की, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी, लड़कियों की जो हाइट है। ठीक है, कुछ राज्यों को छूट दी जाती है, ध्यान से देखना कौन कौन से राज्यों को। ठीक है, और जो लड़कियां हैं 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए लड़कियों को। ठीक है, और जितनी भी लड़के और लड़कियां हैं जिनकी कास्ट ऑल इंडिया से, जिनकी एसटी कास्ट है, उनको जो हाइट चाहिए लड़के ऑल इंडिया से, ठीक है, ये जो हाइट थी 170, ये जनरल कास्ट और ओबीसी और एससी के लड़कों के लिए थी। जितने भी ऑल इंडिया से एसटी लड़के हैं उनको 162.5 सेंटीमीटर हाइट देनी है और लड़कियों को 150 सेंटीमीटर हाइट देनी है। जितनी भी कास्ट की, मतलब कि एसटी कास्ट की लड़कियां और लड़के हैं, इनकी इतनी हाइट होगी। और मैं आपको बता दूं, एन ई स्टेट से जितने भी एसटी हैं लड़के और लड़कियां, उनको, लड़कों को 157 सेंटीमीटर और लड़कियों को 147 सेंटीमीटर हाइट देनी है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अगर आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, लद्दाख से आ रहे हो और उत्तराखंड से आ रहे हो, जितने भी लड़के हैं कास्ट जनरल हो या ओबीसी हो या एससी हो, आपको 165 सेंटीमीटर हाइट देनी है और लड़कियों को 155 सेंटीमीटर हाइट देनी है। ठीक है, अगर आप इन राज्यों से आ रहे हो, देखिए लड़कों को इतनी हाइट देनी है और लड़कियों को इतनी हाइट देनी है। ठीक है, और कुछ जिले और डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर आपका जिला इसमें आ रहा है, ध्यान से देख लो, तो लड़कों को इतनी हाइट देनी है और लड़कियों को हाइट इतनी देनी है। अब बात करें चेस्ट, चेस्ट की बात करें तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ लड़कों की चेस्ट होती है, लड़कों की जो चेस्ट है नॉर्मल 80 चाहिए, 80 सेंटीमीटर और फुलाकर, 5 का फुलाब होना चाहिए, 5 का फुलाब भी होना चाहिए, 80 नॉर्मल होनी चाहिए और 5 का फुलाब, 85 फुलाकर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और जितने भी लड़के एसटी के हैं उनको नॉर्मल चाहिए 76 और 5 का फुलाब चाहिए। ठीक है, अगर आप असम और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड से हो, तो आपको नॉर्मल जो हाइट चाहिए वो 78 चाहिए, ओबीसी हो या एससी हो या जनरल हो, और 5 का फुलाब चाहिए। ठीक है, ये थी आपकी हाइट, दौड़, इतना आपका फिजिकल में होगा और डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। आज की वीडियो बस इतना ही।